हमारा व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं था, हमारा लड़ाई शिवहर में लचरे हुए व्यवस्था में परिवर्तन को लेकर था। अगर स्वच्छ शिवहर, सुंदर शिवहर बनाने को जनप्रतिनिधि आगे आते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनका साथ दें। सही काम करेंगे तो उनका साथ भी देंगे और उनका सम्मान भी करेंगे। अगर गलत काम करेंगे तो हम उनका जोरदार विरोध भी करेंगे। अगर 2 साल के अंदर शिवहर नगर परिषद के अंदर विकास नहीं दिखा तो एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष के रूप में मैं उनसे अपनी लड़ाई लड़ूंगा, शिवहर की जनता की लड़ाई लड़ूंगा। मैं अपने जनता से वादा करता हूं। पूरे शिवहर नगर परिषद वासियों को मैं प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं। 26 वार्ड के जीते हुए वार्ड परिषद को जीत की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 3 दिन पहले नवनिर्वाचित सभापति राजन नंदन सिंह जी से हमने मुलाकात की, नवनिर्वाचित उप सभापति सुनील कुमार जी से हमने मुलाकात की और दोनों युवा साथियों से मिलकर हमने जीत की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं उनको दी। साथ ही साथ हमने उनसे कहा कि शिवहर के विकास कार्य में अगर हमारी जरूरत, हमारी आवश्यकता होगी तो आप हमें बताइएगा, हम आपका साथ जरूर देंगे। जिस सोच के साथ, जिस विचारधारा के साथ हम राजनीति में आए थे, उसी सोच के साथ, उसी विचारधारा के साथ आगे भी राजनीति करते रहेंगे। हमारा व्यक्तिगत किसी से लड़ाई नहीं था, हमारा लड़ाई शिवहर में लचरे हुए व्यवस्था में परिवर्तन को लेकर था। अगर शिवहर नगर परिषद के अंदर परिवर्तन होता है, अगर स्वच्छ शिवहर, सुंदर शिवहर बनाने को जनप्रतिनिधि आगे आते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनका साथ दें। क्या कि जिस सोच को लेकर हम राजनीति में आए, अगर उसी सोच के हिसाब से हमारे युवा साथी काम करते हैं, शिवहर को विकसित बनाते हैं, तो हमारा दायित्व है कि हम उनका साथ दें। हमारा द्वेष भावना का कोई लड़ाई नहीं है। सही काम करेंगे तो उनका साथ भी देंगे और उनका सम्मान भी करेंगे। अगर गलत काम करेंगे तो हम उनका जोरदार विरोध भी करेंगे। अभी हमारे जनप्रतिनिधि चुनाव जीते हैं, उनको 1-2 साल समय मिलना चाहिए अपना काम दिखाने का। अगर 1-2 साल के अंदर वह काम करते हैं तो हमेशा मैं उनका सम्मान और सहयोग करता रहूंगा। अगर 2 साल के अंदर शिवहर नगर परिषद के अंदर विकास नहीं दिखा तो एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष के रूप में मैं उनसे अपनी लड़ाई लड़ूंगा, शिवहर की जनता की लड़ाई लड़ूंगा। मैं अपने जनता से वादा करता हूं। और शिवहर सुंदर बने, स्वच्छ बने, यही हमारी सोच है।